दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप एक टेक्स्ट फाइल को एक्सेल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको फाइल में जाना है, वहां पे आपको ओपन पे क्लिक करना है और उसके बाद उस फाइल को सिलेक्ट करना है, टेक्स्ट फाइल को जो भी आपको एक्सेल में कन्वर्ट करनी है। उसके बाद हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे आप उसे सिलेक्ट करते हैं तो आपके सामने कैसा टेबल आएगा, वहां पे आपके डेलिमिटेड लिखा आएगा, दूसरा फिक्स्ड आएगा। आपको फिक्स्ड पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे जाना है और नेक्स्ट पे जाने के बाद आपको ये यहाँ पे कुछ ऐसे दिखेगा। तो आप जहाँ चाहे उसको आप कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। कॉलम क्रिएट करने के लिए आपको वहाँ पे सिंपल जैसे क्लिक करना है और अगर आप किसी लाइन को हटाना है तो आपको उस पर डबल क्लिक करके हटा सकते हैं। तो इस लाइन का मतलब है कि आपका ये पूरा कॉलम है, दो लाइनों के बीच में एक कॉलम बनता है। और जैसे मैं इसको हटा देता हूँ, मेरे को इसकी जरूरत नहीं है। तो उसके बाद आपको नेक्स्ट और फिर फिनिश। तो दोस्तों ये आपकी एक टेक्स्ट फाइल एक्सेल में कन्वर्ट हो चुकी है। ओके दोस्तों, थैंक यू।